देखिए हम लोग सर्व कर लिए हैं, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। आप सभी लोग देख ही सकते होंगे। आप खा लीजिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसे आप सभी आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो आप सभी लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देते हैं। एक पैन में हम लोगों ने पानी ले लिया है 2 गिलास और इसको भी हम लोग चढ़ा दे रहे हैं, इसे हम गर्म होने देंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिए हैं राई, जीरा और सौंफ। यहाँ पर हम लोग 3 से 4 हरी मिर्ची लिए हैं, 2-3 लहसुन की कलियां लिए हैं। यहाँ पे हम लोग मटर ले लिए हैं थोड़े से। यहाँ पे हम लोग धनिया पत्ती काट लिए हैं। यहाँ पे हम लोग हरा प्याज ले लिए और ये हम लोग ले लिए हैं हींग। हींग जो है ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए टमाटर को हम लोगों को हल्का हल्का चीरा लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए अभी हम लोग लगा ले रहे हैं। इसी तरीके से सारे टमाटर में लगा लेना है आपको, ये देखिए। तो देखिए हमारा जो पानी है वो उबल चुका है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर के अंदर हम लोगों ने कट इसलिए लगाए हैं, जब टमाटर जो है पक जाएगा तो इसके जो छिलके वो आसानी से निकल सकते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट में हमारे टमाटर जो है पक के रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं इसके जो छिलके हैं आसानी से निकल रहे हैं। ये देखिए इसको भी हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए निकाल ले रहे हैं, ये देखिए इसके छिलटा भी हम लोग निकाल ले रहे हैं। ये देखिए थोड़ा गरम गरम है। देखिए आपको इस तरीके से काट के इसे फेंक देना है, ये देखिए। और इसे भी हम लोगों को मैश कर लेना है। चलिए तो आपको मैश करके दिखा देते हैं। तो चलिए इसमें एक बाउल चढ़ा देते हैं। अभी हम लोग टमाटर की चटनी में एक तड़का लगाएंगे। अब हम लोग बाउल को गर्म होने दे देते हैं। इसमें हम लोग सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अभी हम लोग तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम 1 चुटकी शक्कर। तो चलिए इसमें डाल देते हैं जीरा और राई और सौंफ। ये देखिए डाल ले रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। तो देखिए हमारा चटक चुका है, तो इसमें डाल देते हैं हींग। हरी मिर्ची डाल देंगे, ये देखिए। और इसमें लहसुन डाल दिए हैं, हम डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये देखिए अभी हम लोग मिक्स कर ले रहे हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं हरा मटर, ये देखिए डाल ले रहे हैं। तो चलिए इसमें डाल देते हैं हरा प्याज, ये देखिए डाल ले रहे हैं। ये देखिए चलिए इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा सा सूखी मसाला डाल देते हैं। तो देखिए डाल ले रहे हैं मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा आधी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जो हम लोग टमाटर की प्यूरी बना के रखे थे वो डाल देते हैं। ये देखिए डाल ले रहे हैं। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स कर ले रहे हैं। तो चलिए इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ये देखिए डाल ले रहे हैं। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और मसाले में भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। तो देखिए हमारे टमाटर की चटनी जो है बन के रेडी हो चुकी है, जिसमें हम थोड़ा सा और गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं। तो चलिए मिक्स कर ले रहे हैं। तो चलिए अभी आप सभी लोगों को सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए अभी हम लोग सर्व कर ले रहे हैं, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, आप सभी लोग देख ही सकते होंगे। ये देखिए सर्व कर लिए हैं, कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, आप सभी लोग देख ही सकते होंगे। अब इसके अंदर हम लोग धनिया पत्ता डाल दिए हैं। ये देखिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये लीजिए, खा लीजिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट करना अभी मत नहीं भूलिएगा। तो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी बनी है। तो चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।